ठीक है, इट्स मेरे स्टूडेंट यू आर वॉचिंग द हेल्थ यूट्यूब चैनल। वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ काफी सारे डील्स ऑन पीसी पार्ट्स। एंड इस वीडियो में आप लोगों को मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड और भी काफी सारे पीसी पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनके ऊपर आपको काफी अच्छी डील्स देखने को मिलती है। एंड ये डील काफी टाइम तक चलने वाली है। अगर आप लोग कोई चीज बाय करने की सोच रहे थे तो ये काफी अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर आप लोग कोई पीसी पार्ट बाय करने की सोच रहे थे, इस वीडियो में आप लोगों को काफी सारे डील्स बताने वाला हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है पीसी टेक एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अमेज़न लिंक मिल जाएगा। हमारे जो अमेज़न लिंक से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करोगे उससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर टाइम वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे पीसी पार्ट्स के ऊपर डील्स देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे मैं हर एक डील को कवर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मुझे बेस्ट डील्स लगी उन सभी को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को माउस के ऊपर डील्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट माउस आता है वो आता है एंटी स्पोर्ट्स का GM40, जो कि क्वाइट माउस है। यहाँ पे आप लोगों को ये 179 रुपीज का देखने को मिल रहा है, या फिर एक एक्स्ट्रा माउस लेने की सोच रहे तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो, काफी कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट माउस यहाँ पे मैंने पिक करा है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से, उनका ज़ेब ट्रांसफॉर्मर गेमिंग माउस 350 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग एक चीप प्राइस में अच्छा माउस लेने की सोच रहे तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को व्हाइट कलर का वेरियंट भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास माउस आता है वो आता है लॉजिटेक का G102। ये माउस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 1295 रुपीज का देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्राइसिंग रहती थी वो 1500 रुपीज के अराउंड रहती थी। यहाँ पे आप लोग को ये सिर्फ और सिर्फ 1300 का देखने को मिल रहा है। ये भी एक काफी अच्छा माउस रहने वाला है इस प्राइस रेंज के अराउंड। नेक्स्ट जो माउस यहाँ पे हमारे पास आता है वो आता है रेजर का वाइपर मिनी। ये आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 1779 रुपीज का देखने को मिल रहा है। इसकी प्राइसिंग भी 2000 रुपए के अराउंड रहती है। यहाँ पे आप लोग को काफी चीप प्राइस में देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग गेमिंग के लिए एक अच्छा माउस लेने की सोच रहे तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट माउस हमारे पास आता है वो भी आता है रेजर की तरफ से, उनका डेथ हेडर एसेंशियल। ये आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपीज का देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्राइसिंग रहती थी वो 1500 रुपीज से 2000 रुपीज के अराउंड रहती थी। नेक्स्ट हमारे पास माउस आता है वो आता है लॉजिटेक का G402। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। एंड इसकी प्राइसिंग भी 2200 रुपीज से ऊपर रहती थी। एंड ये भी काफी कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। एंड लास्ट जो मैंने माउस यहाँ पे इंक्लूड करा है वो एक वायरलेस माउस है, जो कि है लॉजिटेक का G304। इसमें आप लोगों को हीरो सेंसर देखने को मिलता है एंड 12000 तक की DPI देखने को मिलती है। एंड ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज का देखने को मिल रहा है। एंड आप लोग इसे बाय कर सकते हो अगर आप लोग एक वायरलेस माउस चाहिए था 2700 रुपीज के अराउंड। सो हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड्स के बारे में। यहाँ पे जो मैंने पहला कीबोर्ड यूज करा है वो करा है ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब ट्रांसफॉर्मर। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज का देखने को मिलता है। एंड ये भी एक काफी डिसेंट सा कीबोर्ड रहने वाला है इस प्राइस चेंज के अराउंड। नेक्स्ट जो कीबोर्ड यहाँ पे आता है वो आता है कॉसिंग बैट का CBG K05। एंड ये भी एक काफी बजट सेगमेंट का कीबोर्ड है, तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो अगर आप लोग एक डिसेंट सा कीबोर्ड चाहते थे। नेक्स्ट जो कीबोर्ड आता है वो आता है कॉसिंग बैट का CBG K26, जो कि आप लोगों को कुछ इस टाइप के लुक्स प्रोवाइड करता है। इसमें आप लोगों को नम लॉक देखने को नहीं मिलता है एंड इसमें आप लोगों को रेड स्विचेस देखने को मिलते हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज का आपको देखने को मिलता है एंड काफी कम प्राइस में आपको काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करता है। नेक्स्ट जो कीबोर्ड हमारे पास आता है वो आता है CBG K21। ये भी आप लोग कुछ इस टाइप के लुक्स प्रोवाइड करता है। इसमें आप लोगों को ब्लू स्विचेस देखने को मिलते हैं। इसकी प्राइसिंग 2000 रुपीज के अराउंड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके भी और भी वेरिएंट्स आते हैं तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो कीबोर्ड आता है वो आता है CBG K23। इसमें आप लोगों को कुछ इस टाइप के लुक देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग की बात करें 2200 रुपीज का देखने को मिलता है एंड काफी अच्छा कीबोर्ड है फॉर द प्राइस, आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो कीबोर्ड आता है वो आता है एंटी स्पोर्ट्स का MK1500। ये एक वाइट थीम कीबोर्ड है। यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप के लुक देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग की बात करें सिर्फ और सिर्फ 1329 रुपीज का आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्सो ये एक वायरलेस कीबोर्ड, तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो अगर आप लोग एक वायरलेस कीबोर्ड चाहिए था। लास्ट में मैंने यहाँ पे कीबोर्ड चूज करा है वो करा लॉजिटेक का G213 प्रोडिजी गेमिंग कीबोर्ड। ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3800 रुपीज का देखने को मिल रहा है एंड ये भी एक काफी अच्छा गेमिंग कीबोर्ड रहेगा। अगर आप लोग एक प्रीमियम सेगमेंट का लॉजिटेक गेमिंग कीबोर्ड लेने की सोच रहे थे तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हेडफोन्स के बारे में। यहाँ पे जो मैंने पहला हेडफोन चूज करा वो करा है लेटगेट का क्लॉक। ये आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्राइसिंग रहती थी वो 800 से 900 रुपीज के अराउंड रहती थी। यहाँ पे आप लोग को ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में देखने को मिल रहा है, तो ये काफी अच्छा हेडफोन रहने वाला है इस प्राइस रेंज के अराउंड, आप इसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट हेडफोन आता है वो आता है रेडगेयर का कॉस्मो 7.1। ये आप लोग को 1519 रुपीज का देखने को मिल रहा है। स्टिल आप लोग को काफी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। इसकी प्राइसिंग भी 1800 रुपीज के अराउंड रहती थी एंड ये भी काफी अच्छा हेडफोन रहने वाला है इस प्राइस रेंज के अराउंड। नेक्स्ट जो हेडफोन आता है वो आता है हमारा हाईप्रेस का क्लाउड स्टिंगर। ये काफी अच्छा एंड प्रीमियम हेडफोन है फॉर द प्राइस। ये आप लोग को 3600 रुपीज का देखने को मिल जाता है। इसमें भी आप लोग को काफी अच्छा ऑफर देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो हेडफोन हमारे पास आता है वो आता है रेजर का ब्लैक शार्क वर्जन 2। ये भी एक प्रीमियम हेडफोन रहेगा फॉर द प्राइस। ये आप लोग को 4800 रुपीज का देखने को मिल रहा है एंड इसमें भी आप लोग को काफी अच्छी डील्स देखने को मिल जाती है। एंड ये प्रीमियम हेडफोन रहने वाला है, अगर आप लोग ज्यादा स्पेंड कर सकते हो तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। लास्ट जो हेडफोन मैंने यहाँ पे चूज करा वो करा लॉजिटेक का G435, जो कि एक वायरलेस हेडफोन है। आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। इसमें भी आप लोग को डील देखने को मिल जाती है, बट अगेन और भी आप लोग को चॉइसेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक वायरलेस हेडफोन चाहिए था तो आप इसे भी बाय कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर में आपको काफी अच्छी डील देखने को मिलती है अमेजन के ऊपर। पहले जो मैंने प्रोसेसर यहाँ पे चूज करा है वो करा है राइजन 3 3200G। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्राइसिंग रहती थी वो रहती थी 8 to 9000, बट करंटली आपको सिर्फ और सिर्फ 7000 का देखने को मिल रहा है। एंड ये काफी अच्छी डील रहने वाली है, अगर आप लोग एक बजट बिल्ड करने की सोच रहे थे तो आप लोग इस प्रोसेसर को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेसर हमारे पास आता है वो आता है राइजन 5 4500। अगर आप लोग एक ग्राफिक कार्ड के साथ में बिल्ड करने की सोच रहे थे एंड बजट में एक अच्छा प्रोसेसर चाहते तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। आप लोग
सिर्फ और सिर्फ 7500 रुपीज का देखने को मिल रहा है, जो की काफी अच्छा प्राइस रहेगा। ऑल्सो बैंक के डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइजन 5 5600G, जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। एंड इसकी प्राइसिंग जो रहती थी वो रहती थी 18,000 रुपीज के अराउंड, एंड करंटली आपको काफी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइजन 5 5600X, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15,500 रुपीज का देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा प्रोसेसर रहने वाला है फॉर द प्राइस। इसकी प्राइसिंग जो रहती थी वो 20,000 रुपए के अराउंड रहती थी, एंड अभी आप लोग काफी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेसर आता है वो आता है इंटेल का कोर i5 10400F। ये 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9200 रुपीज का देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप लोग एक इंटेल बेस्ड बिल्ड करने की सोच रहे हो तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। एंड 11400F में भी आपको डील देखने को मिल रही है, वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 11800 का देखने को मिल जाएगा। एंड काफी बजट में आप लोग को काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर लेता है ये प्रोसेसर, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। सो हम बात कर लेते हैं मॉनिटर्स के बारे में। मॉनिटर में आप लोग को काफी सारी डील देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ एक पिक करी है। फर्स्ट डील यहाँ पे पिक करी है वो करी है ViewSonic की तरफ से, उनका V8 24 इंच का मॉनिटर। ये एक IPS मॉनिटर है, 1080p का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, 75Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, एंड सिर्फ और सिर्फ 9000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इसका एक और वेरिएंट भी आता है, जिसमें आप लोग को 24 इंच में 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम एंड 144Hz, जो कि आप लोग को 11500 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। फॉर द प्राइस काफी अच्छे फीचर्स आपको ऑफर करता है, एंड इवन आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मॉनिटर आता है वो आता है एसर का नाइट्रो VG245S, जो कि पर्सनली मैं भी यूज कर रहा हूं। इस मॉनिटर का डेडिकेटेड रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है, एंड ये आप लोग को 12,000 रुपीज का देखने को मिल जाता है। 12,000 रुपीज के अराउंड ये आपको काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करता है। नेक्स्ट मॉनिटर आता है वो आता है एसर का VG270, जो कि 27 इंच का मॉनिटर है। इसमें आप लोग 165Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, एंड सेम स्पेसिफिकेशन है, जस्ट आपको रेजोल्यूशन अलग देखने को मिलता है, एंड ये भी काफी अच्छा मॉनिटर रहेगा फॉर द प्राइस। नेक्स्ट मॉनिटर आता है वो आता है LG का अल्ट्रा गियर 24 इंच का मॉनिटर। 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, एंड 15,000 रुपीज के अराउंड आपको देखने को मिलता है। एंड अगर आप लोग एक प्रीमियम मॉनिटर लेने सोच रहे हो तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो, इसकी भी प्राइसिंग आपको काफी कम देखने को मिलती है। एंड मॉनिटर्स के ऊपर आप लोग और भी काफी सारी डील देखने को मिल जाएगी, मैंने सारी कवर नहीं करी है, तो वो आप जाके अपने आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज यूनिट्स के बारे में। स्टोरेज यूनिट्स में आपको काफी सारी डील देखने को मिलती है, मैंने सारी कवर नहीं करी है, कुछ एक मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। मेजॉरिटी आप लोग SSD एंड हार्ड ड्राइव में काफी सारी डील देखने को मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। पहले डील हमारे पास आती है WD की ग्रीन 240GB की SSD, ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपीज की देखने को मिले, जो कि बहुत कम प्राइस है एक SSD के लिए, तो आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट डील हमारे पास आती है क्रूशल की BX500 500GB की SSD, आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज की देखने को मिलती है। इसकी जो प्राइसिंग रहती थी वो 3500 रुपीज से ऊपर रहती थी, बट करंटली आपको काफी कम प्राइस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो SSD हमारे पास आती है वो आती है क्रूशल की P3 500GB की SSD, जो कि एक NVMe SSD, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज की देखने को मिलती है 500GB की SSD। एंड और भी वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते, तो आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आती है सैमसंग की 981TB वाली SSD, आपको सिर्फ और सिर्फ 7500 रुपीज की देखने को मिलती है। ये काफी अच्छी SSD रहने वाली, अगर आप लोग एक अच्छी SSD लेने सोच रहे हैं तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो, काफी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डील आती है क्रूशल की MX500 के ऊपर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज की देखने को मिलती है। इसकी प्राइसिंग जो रहती थी वो 4500 रुपीज के अराउंड रहती, तो आप इसे जाके बाय कर सकते हो। लास्ट जो डील हमारे पास आती है वो आती है सीगेट की तरफ से, उनकी बैरकूडा 2TB की हार्ड ड्राइव, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज की देखने को मिलती है, एंड फॉर द प्राइस आपको काफी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रही है। एंड मैंने काफी सारी डील्स को इस वीडियो में कवर कर लिया, एंड और भी काफी सारी डील्स PC पार्ट्स के ऊपर आ रखी है, बट मैंने सबको कवर नहीं करा है। एंड अगर आप लोग को लगता है कि और भी कोई वैल्यूएबल डील है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ये चीज और को काफी हेल्प करेगी। एंड जितने भी पार्ट्स मैंने आप लोग को बताया, जितने भी पार्ट्स मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जाके कोई भी बाय कर सकते हो, इससे हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ऑल्सो अगर आप लोग कुछ और भी शॉपिंग करना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके कुछ और भी शॉपिंग कर सकते हो। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो लगी होगी। वीडियो लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीस रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती है। एंड अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, नीचे आप कमेंट स्क्रीन में पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हो। मैं लूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।